वेलकम अगेन, दिस इज़ विनय पांडे हियर अगेन। रियल एनालिसिस में रीमन इंटीग्रेशन चैप्टर हम कर रहे थे। रीमन इंटीग्रेशन में लास्ट जो वीडियो था वो था डेलबॉक्स थ्योरम पे। डेलबॉक्स थ्योरम का प्रूफ हमने देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम मानी जाती है डेलबॉक्स थ्योरम। तो आज का जो वीडियो रीमन इंटीग्रेशन का है, उस वीडियो में हम एक थ्योरम और एक न्यूमेरिकल देखेंगे। थ्योरम देखते हैं, थ्योरम ये भी जो थ्योरम है काफ़ी एग्जाम में पूछी गई है। एक तो इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले आपको डेलबॉक्स थ्योरम आनी चाहिए, क्योंकि डेलबॉक्स थ्योरम का यहाँ पे यूज करना है हमको। अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर आर इंटीग्रेबिलिटी ऑफ अ बाउंडेड फंक्शन। पता है आपको बाउंडेड फंक्शन होगा तभी वो आर इंटीग्रेबल की कंडीशन होगी उसमें सेटिस्फाई। क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी से रियल नंबर्स में ये फंक्शन मैपिंग कर रहा है। फॉर क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी इज दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट्स अ पार्टीशन पी ऑफ ए बी। एक पार्टीशन पी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसमें अपर सम माइनस लोअर सम जो होगा वो एप्सिलॉन से छोटा आ रहा होगा और जीरो के इक्वल या उससे बड़ा आ रहा होगा। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे प्रूव करनी है इस थ्योरम में। तो नेसेसरी कंडीशन लेते हैं पहले। नेसेसरी कंडीशन में हम ये मान के चलेंगे कि फंक्शन क्या है, आर इंटीग्रेबल है। और लेट एफ जो दिया हुआ है वो क्या है, आर इंटीग्रेबल है। किसमें? क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में। ये आर इंटीग्रेबल दिया हुआ है। अगर आर इंटीग्रेबल कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, लोअर इंटीग्रेशन उस फंक्शन का और अपर इंटीग्रेशन उस फंक्शन का दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सिंपल एफ लिखा हुआ है मैंने, एफ एक्स डी एक्स भी आप लिख सकते हो। अब हम डेलबॉक्स थ्योरम का यूज करते हैं जो हमने प्रूफ किया था इससे पहले वीडियो में। बाय डेलबॉक्स थ्योरम फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो क्या प्रूफ किया था हमने, अगर कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है तो देयर एग्जिस्ट अ डेल ग्रेटर देन जीरो। एक डेल उसमें ऐसा एग्जिस्ट कर रहा था सच दैट फॉर अ पार्टीशन पी ऑफ क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। क्या देखा था हमने, उसमें एक तो पार्टीशन हमने जो पी लिया था, पार्टीशन पी ऑफ क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी विथ जो नॉर्म थी उसमें, वो नॉर्म किससे छोटी आ रही थी, डेल से छोटी आ रही थी। पी की जो नॉर्म थी वो डेल से छोटी आ रही थी। तो हमने इसमें क्या प्रूफ किया था, यू पी एफ प्लस एप्सिलॉन बाई टू, यू पी एफ प्लस एप्सिलॉन बाई टू ये किससे छोटा आ रहा था, सॉरी कंडीशन थी यूपीएफ इज लेस देन अपर इंटीग्रेशन प्लस एप्सिलॉन बाय टू, इक्वेशन नंबर टू। इसका पूरा प्रूफ आप इस पे प्रीवियस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, वहां से आप इस वीडियो इस थ्योरम का प्रूफ देख सकते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि एलपीएफ जो था वो बड़ा आ रहा था लोअर इंटीग्रेशन प्लस एप्सिलॉन बाय टू। ये फंक्शन आर इंटीग्रेबल हमने लिया, आर इंटीग्रेबल होगा तो उसका लोअर और अपर इंटीग्रेशन दोनों इक्वल होंगे। और डेलबॉक्स थ्योरम का यूज करेंगे जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो यूपीएफ इस कंडीशन को फॉलो करता है और एलपीएफ इस कंडीशन को फॉलो करता है। इसमें एक चीज यहाँ पे माइनस का साइन हमने प्रूफ किया था, ये माइनस था। अब आप देखिए जो रिजल्ट आपको प्रूफ करना है उस रिजल्ट को ध्यान से देखिए आप। उस रिजल्ट में क्या है, यूपीएफ माइनस एलपीएफ, यूपीएफ माइनस एलपीएफ को निकालना है। तो यूपीएफ माइनस एलपीएफ अगर हम निकालेंगे, एक तो इसमें आप एक चीज ये ध्यान रखिए, इसको हम क्या बनाना है, एक काम करते हैं क्योंकि यहाँ पर इनइक्वालिटी अलग अलग आ रही है, तो या तो हम इसमें दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। और आपको पता है कि माइनस में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो इनइक्वालिटी में तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन
इक्वेशन टू प्लस इक्वेशन थ्री दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, यूपीएफ माइनस एलपीएफ। राइट साइड में क्या आएगा, अपर इंटीग्रेशन प्लस एप्सिलॉन बाय टू माइनस लोअर इंटीग्रेशन प्लस एप्सिलॉन बाय टू। इक्वेशन वन में आपने क्या लिया था कि आर इंटीग्रेबल ये फंक्शन है तो उसका लोअर इंटीग्रेशन और अपर इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम आएगी तो कैंसिल हो जाएगा। तो यूपीएफ माइनस एलपीएफ क्या आ गया, एप्सिलॉन बाय टू प्लस एप्सिलॉन बाय टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। अब आप देखिए ये कंडीशन हम प्रीवियस वीडियोस में भी प्रूफ कर चुके हैं कि जो अपर सम होगा माइनस लोअर सम जो होगा किसी भी पार्टीशन में किसी फंक्शन का अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस हम निकालेंगे। अपर सम बड़ी वैल्यू होती है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करोगे तो निगेटिव में तो आएगा यानी कि जीरो से बड़ा आएगा, या मिनिमम क्या हो सकता है जीरो से जीरो के इक्वल हो सकता है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो लेस देन इक्वल टू यू पी एफ माइनस एल पी एफ स्मॉलर देन एप्सिलॉन, और यही हमको यहाँ पे प्रूफ करना था। ये इसकी नेसेसरी कंडीशन होगी जो हमने प्रूफ कर ली। क्या दिया था, आर इंटीग्रेबल फंक्शन दिया, डायबॉक्स थ्योरम का यूज़ किया, डायबॉक्स थ्योरम में दो इनइक्वालिटी को ऐड किया और फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ किया तो हमको ये कंडीशन मिल गई, क्योंकि यू पी एफ माइनस एल पी एफ जो होता है वो नेगेटिव क्वांटिटी नहीं हो सकती है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस हो रही है, सुप्रीमम से इनफीमम माइनस हो रहा है तो ये जीरो या उससे बड़ा ही आएगा। तो ये नेसेसरी कंडीशन हो गई। अब आते हैं इसके सफिशियंट कंडीशन। थ्योरम की सफिशियंट कंडीशन, सफिशियंट कंडीशन में हम ये मान के चलेंगे जो हमने इससे पहले अभी प्रूव किया था, क्या जीरो लेस देन इक्वल टू यूपीएफ माइनस एलपीएफ, ये मान के चलेंगे। एंड क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, अब हमको ये प्रूफ करना है कि एफ क्या है, आर इंटीग्रेबल, जो फंक्शन एफ है वो क्या है, आर इंटीग्रेबल है, ये हमको प्रूफ करना है। तो आर इंटीग्रेबल अगर कोई भी फंक्शन हमको प्रूफ करना है तो उसमें क्या होता है, फंक्शन का लोअर इंटीग्रेशन और अपर इंटीग्रेशन दोनों की वैल्यूज क्या आती है, इक्वल आती है, तो वो हमको यहाँ पे प्रूफ करना है, वो हमारा टारगेट है। बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें अपर इंटीग्रेशन, अपर इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें और अपर सम की बात करें, अब याद करिए अपर इंटीग्रेशन जो हम निकालते थे, जो फॉर्मूला था अपर इंटीग्रेशन का होता क्या, जितने भी अपर सम आ रहे हैं उसमें जो इन्फीमम वैल्यू है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है इसको, तो यानी कि सीधा सीधा हम अगर जनरल मीनिंग में हम बात करें तो जनरल मीनिंग का मतलब यह है कि यूपीएफ जो हमने जितने पार्टीशन पे यूपीएफ थे उनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होती थी उसी को हम उसका अपर इंटीग्रेशन कहते हैं। अब आप इसको समझिए, सबसे छोटी वैल्यू को हम अपर इंटीग्रेशन कहते हैं, तो इसका मतलब बाकी सारी वैल्यूज क्या होंगी, बाकी सारे अपर सम क्या होंगे, वो क्या होंगे, बड़े होंगे, किससे, अपर इंटीग्रेशन से। तो इतना तो यहाँ पे क्लियर है कि यूपीएफ जो है या तो वो इस अपर इंटीग्रेशन के इक्वल होगा या फिर क्या होगा, उससे बड़ा होगा, एक चीज ये हो गई। एंड इसी तरीके से लोअर इंटीग्रेशन की बात करें तो लोअर इंटीग्रेशन क्या होता है, जितने एलपीएफ हमने निकाले उन एलपीएफ में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, जो सुप्रीमम वैल्यू होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, लोअर इंटीग्रेशन। यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू कहने का मतलब यह है कि बाकी सारी वैल्यूज क्या होंगी, उससे छोटी होंगी, और उससे मतलब ये इसको आप ऐसे समझिए, जितने एलपीएफ आपने निकाले उन एलपीएफ में जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसी को हम क्या बोलते हैं, लोअर, सॉरी मैंने दोनों साइन उल्टा डाल दिया, लोअर इंटीग्रेशन कहते हैं। लोअर इंटीग्रेशन में क्या होगा, जितने पार्टीशन हैं उन पार्टीशन में जितने आपने लोअर सम है वो सारे निकाले और लोअर सम में जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको हम इस इंटीग्रेशन के इक्वल रखते हैं, यानी कि बाकी जितने लोअर सम हैं वो सारे के सारे लोअर सम क्या होंगे, या तो इससे छोटे होंगे या फिर इक्वल हो सकते हैं, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, दूसरी वाली इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और यहाँ आ जाएगा माइनस का एलपीएफ। ध्यान से समझिए, ये कंडीशन दी हुई है सफिशियंट कंडीशन में, हमको फंक्शन को आर इंटीग्रेबल प्रूफ करना है। आर इंटीग्रेबल प्रूफ करने के लिए हमने डेफिनेशन का यूज किया,
कि यूपीएफ जितने भी यूपीएफ होते हैं वो सारे के सारे यूपीएफ या तो अपर इंटीग्रेशन के इक्वल होंगे या फिर बड़े होंगे। लोअर सम में क्या होगा, जितने लोअर सम है वो लोअर इंटीग्रेशन या तो इक्वल होंगे या फिर छोटे होंगे, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको ऐड कर लेते हैं, ऑन एडिंग ऐड करेंगे तो क्या होगा, अपर इंटीग्रेशन माइनस लोअर इंटीग्रेशन लेस देन इक्वल टू यूपीएफ माइनस एलपीएफ, और यूपीएफ माइनस एलपीएफ किससे छोटा है, एप्सिलॉन से छोटा है, ये आपको दिया होगा। अगर ये एप्सिलॉन से छोटा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो अपर इंटीग्रेशन है माइनस लोअर इंटीग्रेशन है ये किससे छोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन से छोटा। ऑल्सो एप्सिलॉन क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है, एप्सिलॉन जीरो से बड़ा है और एप्सिलॉन इससे भी बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर ये दिस इंप्लाइज, देखिए एप्सिलॉन किससे बड़ा है, जीरो से बड़ा है और एप्सिलॉन इससे भी बड़ा है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ए, ये अपर इंटीग्रेशन माइनस लोअर इंटीग्रेशन, ये जो वैल्यू है ये या तो जीरो के इक्वल होगी या फिर जीरो से छोटी होगी। एप्सिलॉन किससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, एप्सिलॉन जीरो से भी बड़ा है, और एप्सिलॉन अगर जीरो से बड़ा है तो इस कंडीशन को यहाँ यूज करेंगे तो ये जो इंटीग्रेशन की डिफरेंस आ रहा है ये क्या हो जाएगा, जीरो से छोटा आ जाएगा। इक्वेशन ए मान लेते हैं इसको, ऑल्सो ये हमने पहले की वीडियोस में भी प्रूव किया और इसको आप वैसे भी समझ सकते हैं, जो अपर सम होता है अगर आप उसको उससे लोअर सम को माइनस करेंगे, सॉरी अपर सम नहीं, अपर इंटीग्रेशन से लोअर इंटीग्रेशन को माइनस करोगे, अपर इंटीग्रेशन बड़ी वैल्यू होती है, लोअर इंटीग्रेशन छोटी वैल्यू होती है, तो अगर इनको माइनस करोगे तो ये नेगेटिव नहीं आएगा, और नेगेटिव नहीं आएगा तो इसका मतलब जीरो से बड़ा होगा या फिर क्या हो सकता है, जीरो के इक्वल हो सकता है। ये दोनों को कंबाइन करिए, ए और बी को कंबाइन करिए तो अपर इंटीग्रेशन माइनस लोअर इंटीग्रेशन इसके इक्वल हो जाएगा जीरो के, अगर इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, ये जीरो से बड़ा है उसके इक्वल है, ये जीरो से छोटा है उसके इक्वल है, दोनों को कंबाइन करेंगे इक्वेशंस को तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका डिफरेंस इक्वल टू जीरो, यानी कि लोअर अपर इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ गया, लोअर इंटीग्रेशन के, और अगर अपर आर इंटीग्रेशन हो तो लोअर आर इंटीग्रेशन इक्वल हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है, आर इंटीग्रेबल, और यही हमको इस थ्योरम में प्रूफ भी करना था। तो आइए स्टूडेंट्स, एक न्यूमेरिकल मैंने लिखा हुआ है, इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन देखते हैं, क्योंकि अपर सम लोअर सम और आर इंटीग्रेबिलिटी के काफ़ी न्यूमेरिकल्स मैं पहले के वीडियोस में भी दे चुका हूं, तो उसी तरीके का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है क्योंकि एग्जाम्स में ये पूछा गया, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैं आपको करा दे रहा हूं। प्रोसीजर वैसे ही रहेगा जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोज में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाया था। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ बाउंडेड फंक्शन विच इज नॉट आर इंटीग्रेबल ओवर क्लोज इंटरवल 0, 1, तो तब भी आपको उस केस में ये एग्जांपल याद रखना है। क्वेश्चन इस फॉर्म में आया तो आपको ये फंक्शन याद रखना है, और इस फॉर्म में आया तो फिर तो आप सॉल्व कर ही लेंगे उसको, तो ये फंक्शन के दो स्टेटमेंट्स हैं, ये दोनों स्टेटमेंट्स आप लिख लीजिए, ये नीचे वाला स्टेटमेंट अब मैं हटा दे रहा हूँ, आप इसका पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर न्यूमेरिकल लिख सकते हैं। सॉल्यूशन पे आता है इसके, फंक्शन क्या दिया हुआ है, देखिए फंक्शन ये दिया हुआ है, अगर फंक्शन में हम 0, 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखते हैं तो आपको सिर्फ दो आंसर मिल रहे हैं, या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, इसके अलावा आपको कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन जो है उसकी सबसे बड़ी वैल्यू 1 है और फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0 है, और फंक्शन की अपर बाउंड और लोअर बाउंड अगर दोनों एक्सिस्ट कर जाए तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो जाएगा, बाउंडेड फंक्शन हो जाएगा, तो इसका मतलब देयरफॉर एफ एक्स इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल 0, 1, तो ये चीज तो हमको पता लगेगी कि फंक्शन बाउंडेड है। अगर कोई भी फंक्शन बाउंडेड नहीं है तो फिर आर इंटीग्रेबिलिटी उसका चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, आप उसकी आर इंटीग्रेबिलिटी चेक नहीं करेंगे। आते जब हम सॉल्यूशन करते थे उसमें एक पार्टीशन लेते थे, तो
पी इक्वल टू एक्स नॉट, एक्स नॉट को मान लेते हैं जीरो, एक्स वन एक्स टू, आर एच सब इंटरवल का बनेगा एक्स आर माइनस वन एक्स आर, और ऐसे करते करते एक्स एन कितना हो जाएगा वन बी। अब पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल जीरो कॉमा वन, फिर आई आर आर एच सब इंटरवल क्या बन रहा है एक्स आर माइनस वन और एक्स आर, इस सब इंटरवल में एम आर क्या होगा इसकी इन्फीमम वैल्यू, किसकी फंक्शन की इन्फीमम ऑफ एफ, और कैपिटल एम आर क्या हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ एफ। ठीक हो गया, अपर सम लोअर सम निकालने से पहले हम अपर सम और अपर इंटीग्रेशन और लोअर इंटीग्रेशन निकालने से पहले हम अपर सम और लोअर सम निकालते थे, तो आइए देखते हैं। एलपीएफ, एलपीएफ क्या होता था समेशन एम आर डेल एक्स आर, ये होता था, और आर इक्वल टू जीरो टू एन एम आर, एम आर क्या है इन्फीमम, इन्फीमम का मतलब सबसे छोटी वैल्यू। इस इंटरवल में आप देखिए जो पहला वाला सब इंटरवल मैंने बनाया हुआ है, इस पहले वाले सब इंटरवल में ध्यान से देखिए आप, जो पहला वाला सब इंटरवल है इस सब इंटरवल में फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन की दो ही वैल्यू है एक जीरो है एक वन, तो इस इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू कितनी होगी जीरो, इस सब इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू जीरो, हर एक सब इंटरवल में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या आ रही है जीरो, यानी कि हर एक सब इंटरवल में जो इन्फीमम वैल्यू है वो कितनी मिलने वाली है आपको जीरो, तो एम आर की वैल्यू कितनी होगी जीरो, और एम आर की वैल्यू जीरो तो डेल एक्स आर भी कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब निकालते हैं यूपीएफ, यूपीएफ क्या होता था आर इक्वल टू जीरो टू एन कैपिटल एम आर डेल एक्स आर, कैपिटल एम आर की वैल्यू कितनी होगी हर एक सब इंटरवल में आप फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू निकालोगे और सबसे बड़ी वैल्यू वन है इसमें, तो एम आर कैपिटल एम आर वन हो गया डेल एक्स आर बचेगा सर आर इक्वल टू जीरो टू एन डेल एक्स आर। फिलहाल नीचे का पोर्शन में आप हटा दे रहा हूं, डेल एक्स आर को एक्सपाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू जीरो टू एन डेल एक्स आर क्या बनेगा एक्स आर माइनस वन, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा क्या पहले ही वैल्यू क्या आएगी इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, ये जीरो ना होकर के आर वन से स्टार्ट होगा, ये पहले भी मिस्टेक हो चुकी थी, इसको सही कर लीजिएगा, आर की वैल्यू वन रखेंगे तभी वो सबसे छोटी वैल्यू जीरो बनेगी, वन रखेंगे तो कितना आएगा एक्स वन माइनस एक्स नॉट, फिर दूसरा समीशन है ऐसे वैल्यू रखते रहेंगे एक्स टू माइनस एक्स वन, ऐसे करते करते लास्ट में क्या आएगा एक्स एन माइनस वन, तो इसमें क्या होता है बीच की सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाती है, हमने पहले भी देखा था, तो सिर्फ बचेगा एक्स एन माइनस एक्स नॉट, और एक्स एन कितना था वन, एक्स नॉट कितना था जीरो, ये इंटरवल की एक्सट्रीम वैल्यूज वन हो गया, तो अपर सम की वैल्यू आ गई वन। नाउ अपर इंटीग्रेशन, अपर इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन कितना हो जाएगा, जो यूपीएफ आता है यूपीएफ का हम क्या निकालते थे इन्फीमम वैल्यू, अब यूपीएफ आ कितना रहा है न्यूमेरिकली वन आ रहा है, तो अपर सम की वैल्यू वन हो गई, और लोअर सम हम निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा जीरो आ रहा है। यहां देखिए आप सिंस लोअर इंटीग्रेशन एंड अपर इंटीग्रेशन आर डिफरेंट, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब फंक्शन जो है आर इंटीग्रेबल नहीं है, तो ये इस न्यूमेरिकल का आंसर हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट्स आप इस क्वेश्चन के याद रखें स्टूडेंट्स, जो हमने रीमेन इंटीग्रेशन हम जो कर रहे हैं उसमें काफ़ी वीडियोस में पहले करवा चुका हूँ, हर एक टॉपिक ऑलमोस्ट मैं कवर कर चुका हूँ, तो अब इसके बाद एक दो वीडियोस जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कौन कौन सी थ्योरम्स है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेबिलिटी या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताने जा रहा हूँ, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम मानी जाती है, तो एक दो वीडियोस में हम इस चैप्टर को कवर कर लेंगे, और प्रीवियस वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक से पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं।